रामानुजन इंटरनेशनल स्कूल कागा रोड रोड खेरागंज आगरा डायरेक्टर गौरव जिंदल की ओर से दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं। तीन सौ चौदवा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरु नाथ ग्रंथि गुरुपुरम पर चार दिवसीय समागम 24 से 27 अक्टूबर तक गुरुद्वारा दशा मेस दरबार साहिब सईद नगर भिवक नगर पर होगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए गुरुद्वारा प्रधान हरपल सिंह प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा ने बताया कि जगती ज्योति धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज महाराज का 314वां गुरता ग्रंथि गुरुपुरम बड़े श्रद्धा भावना अति सत्कार के साथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को सुबह श्री आखंड पाठ साहिब का प्रारंभ होगा और 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे भोग और उसी शाम 7:30 बजे बड़ी आखंड पाठ साहिब से अमृतमयी कीर्तन कथा विशेष समागम होगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधान हरपल सिंह, चेयरमैन इंद्रजीत सिंह, रविंदर सिंह और राम श्याम भोजवानी, जय सिंह, संतोष सिंह, त्रिलोकन सिंह, हरप्रीत सिंह मौजूद रहे। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहिब विभव नगर शहीद नगर प्रबंधक कमेटी द्वारा विगत कई वर्षों से गुरता गद्दी दिवस गुरुपुरब बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसी कड़ी में ये चार दिवसीय समागम जो 24 तारीख से गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पाठ साहिब की आरम्भता के साथ शुरू होगा। मेरी आगरा की समूह साध संगत गुरु नानक नाम लेवा के साथ साथ समूह साध संगत से बेनती है कि 26 और 27 के जो विशेष समागम जिसमें पंथ के महान कीर्तनकार कथावाचक आएंगे और संगतों के गुरु रूप गुरु प्यारी संगतों के दर्शन करेंगे, वहाँ के परिवार के साथ पहुँचो और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरपाल सिंह इस दशमेश दरबार गुरुद्वारे का प्रधान सेवादार समझ लीजिए, प्रमुख सेवादार, और बड़े हर्ष के साथ आपको ये बताते हुए खुशी के साथ बता रहा हूँ कि सन 1708 में हमारे दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे जो प्रेजेंट गुरु गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनको गुरु बनाया था और ये हुक्म लगाया था सारी गुरु सिख कौम को कि आज के बाद मेरा गुरु और पूरी सिख कौम का गुरु गुरु गोविंद सिंह होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। 1708 से लेकर आज तक हम अपने ये जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं इनका ये गुरता गद्दी दिवस पूरी सिख कौम मना रही है। लगभग पिछले 15-20 साल से हम इस गुरुद्वारे में भी इस गुरुपुरब को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 24 तारीख को दिवाली वाले दिन हम अखंड पाठ साहब शुरू करेंगे जिसका 26 तारीख को समापन होगा सुबह, और 26 तारीख की शाम से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसमें भाई साहिब सिंह जी मारकंडे वाले जिनको हम रोज़ टीवी पर देखते हैं वो अखंड पाठ साहब सहज पाठ साहब के व्याख्या और अर्थ पूरी कौम को बता रहे हैं। उसके बाद भाई गुरनाम सिंह जी आ रहे हैं गुरुद्वारा अपना दरबार साहब सचखंड से, जिन्होंने भाई सतनाम सिंह जी आ रहे हैं तो उन्होंने भी इस शुभ मौके पर संगत को अपने गुरु के गुरुद्वारे के गुरबाणी कीर्तन से संतों को निहाल करना है। ये मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।